अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सिंबॉलिक मैथमेटिक्स या सिंबॉलिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें हम देखेंगे कि कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस को सिंबल्स में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, या इसके अलावा हम देखेंगे जनरल रियल वर्ल्ड सेंटेंसेस को सिंबल्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सिंबल्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है कोई सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। और इसके अलावा हम कुछ अलजेब्रिक इक्वेशन को सिम्बॉलिकली सॉल्व करेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कि मैक्सिमा सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं सिंबॉलिक मैथमेटिक्स क्या होता है। इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इट इज अ साइंटिफिक एरिया दैट रेफर्स टू द स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम्स एंड सॉफ्टवेयर फॉर मैनिपुलेटिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड अदर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स। सिम्बॉलिक मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में भी और कंप्यूटर साइंस में भी, ये दोनों में ही एक ऐसा साइंटिफिक एरिया, एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम स्टडी करते हैं कुछ एल्गोरिथम्स को या उन एल्गोरिथम्स की डेवलपमेंट को, और इसके अलावा हम सॉफ्टवेयर्स की डेवलपमेंट भी इसमें इसके थ्रू कर सकते हैं, ताकि हम कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस या मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर सकें। सिंबॉलिक कैलकुलेशन में सिंबल्स यूज होते हैं। सिंबॉलिक मैथमेटिक्स को सिंबॉलिक कंप्यूटेशन भी हम बोलते हैं। ये मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा एरिया है या एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं सिंबल्स की फॉर्म में, और वो कंप्यूटर में भी इसी तरह से ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, लॉजिकल प्रोपोजिशंस हैं या प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी इंग्लिश इक्वेशंस को हम ट्रांसलेट किस तरह करते हैं सिंबल्स की फॉर्म में। इसके लिए हम कुछ ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। ऑपरेटर्स का एक टेबल आपके सामने छोटा सा शो हो रहा है जो जनरली यूज़ किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो है एक सिंबल है जिसको टिल्डे सिंबल बोलते हैं, नेगेशन का सिंबल भी है, कंजंक्शन के लिए डॉट यूज़ करते हैं हम, डिसजंक्शन के लिए एक वी का सिंबल यूज़ करते हैं, वेज इम्प्लीकेशन के लिए हम हॉर्सशू यूज़ करते हैं, और इक्विवेलेंस के लिए हम ट्रिपल बार का सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं। और कैपिटल लेटर स्टैंड फॉर सिंपल स्टेटमेंट्स। सिंपल इंग्लिश की स्टेटमेंट्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम कैपिटल लेटर्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट्स डेट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन एनी फर्दर एंड स्टिल बी ट्रूथ फंक्शनल। फॉर एग्जाम्पल आई एम टायर्ड एंड आई एम हंग्री। इसमें हम टायर्ड को हम टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, हंग्री को एट से कर देते हैं, और बीच में एंड जो है वो कंजंक्शन का ऑपरेटर यूज हो रहा है, तो सिम्बॉलिकली इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे टी डॉट एच, जो कि कंपाउंड स्टेटमेंट है। पीछे हम लेक्चर्स में कुछ पढ़ चुके हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जिनमें एक या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट इकट्ठी मिलाई गई हो कुछ ऑपरेटर्स के जरिए, एंड ऑपरेटर के जरिए बेसिकली, उन्हें हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहते हैं। इसी तरह की कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे जॉन डेनवर इज़ अ ग्रेट सिंगर एंड पायलट। इसमें हम जॉन को जो है जे से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, पायलट को पी से, और सिंगर को ऐसे, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग कर दी मैंने, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस फॉर्म में। इसी तरह से आई एम आइदर क्लॉगिंग और सिंगिंग इन द रेन। क्लॉगिंग को जो है सी से और सिंगिंग को एस से, और बीच में और का सिंबल यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए हम पीछे टेबल में हमने अभी पढ़ा के यहाँ पे डिसजंक्शन का सिंबल यूज़ करते हैं, वेज का सिंबल। डॉग्स डोंट लाइक कैट्स, यहाँ पे हम नेगेशन का सिंबल यूज़ करेंगे। और इसके अलावा जो है हमारे पास और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे इंग्लिश सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ वर्ड्स को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। एग्जांपल आपके सामने, जैसे 5 मोर देन 3 टाइम्स अ नंबर इज 26। ये सारे जो एग्जांपल्स हम देख रहे हैं आज के लेक्चर में देखेंगे, मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं, और ये सारे एग्जांपल्स हम पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में स्पेशली करते आए हैं, मैट्रिक लेवल तक यही करते आए हैं, तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ समझने में डिफ़िकल्टी होगी आप लोगों को। तो स्टेटमेंट हमारे पास ये, 5 मोर देन 3 टाइम्स अ नंबर इज 26, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द नंबर। इसकी इक्वेशन पहले बनाते हैं हम, जिस तरह छोटी क्लासेस में हम बनाते थे। सबसे पहले 5 मोर देन 3 टाइम्स अ नंबर, 3 टाइम्स अ नंबर मतलब एक नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया, तो नंबर चूंकि हमें पता नहीं तो उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो गया 3x। 5 मोर देन, इसका मोर का मतलब है कि एडिशन हो रही है, कुछ ऐड हो रहा है, तो 3x प्लस 5, इसको हम रिप्लेस कर देंगे इक्वल साइन से, और 26 इक्वेशन हमारे पास बन गई 3x प्लस 5 इक्वल टू 26। अब हमने ये नंबर फाइंड करना है कि x एक्चुअली है क्या।
उसके लिए हम सिंपल मैथमेटिकली जिसमें सॉल्व करते हैं इक्वेशन को वैसे ही करेंगे, 5 लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड हो रहा है इसे राइट हैंड साइड पर जाके सब्ट्रैक्ट कर दें, या दोनों इक्वेशन को -5 में से 5 से सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तब भी हो सकता है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 3x = 21 आ गया, और 3 उस साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड कर दें, या दोनों साइड दोनों इक्वेशन साइड्स की को जो है 3 से डिवाइड कर लें, तब भी x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जो कि 7 है। तो ये हमारे पास जो है वो एक्चुअली नंबर था जो पूछा गया था। इसी तरह की कुछ और एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, ये आप खुद सॉल्व कर कीजिएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके बाद हम देखते हैं सॉल्विंग सम अलजेब्रिक इक्वेशन सिम्बॉलिकली। अलजेब्रिक इक्वेशन को सिम्बॉलिकली सॉल्व करने के लिए बेसिकली अलजेब्रिक इक्वेशन 3 तरह से सॉल्व होते हैं, ग्राफिकली, सब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिकली हम जो कि सिम्बॉलिकली स्टडी कर रहे हैं, तो सिम्बॉलिकली दो मेथड यूज होते हैं, सब्स्टिट्यूशन का और एलिमिनेशन का। ग्राफिकली हम इसमें नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन के मेथड देखते हैं। हमारे पास सपोज करते हैं कि जी दो इक्वेशंस हैं का सेट है हमारे पास, 3x इक्वेशन 1 हमारे पास है, 3x plus 2y equal to 2 और इक्वेशन 2 है y equal to 2x plus minus 6। ये इक्वेशंस डिफरेंट फॉर्म में हो सकती हैं जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको कहा गया हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास ऑलरेडी y की एक वैल्यू निकली हुई है, दैट इज 2 minus 6। तो हम क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी, 3x plus 2 y की जगह पे 2x minus 6, और बाकी इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब ये x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे ताकि y की वैल्यू हमारे पास आ जाए, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। तो इस तरह से हमने जो है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए से सॉल्व किया। ये इक्वेशंस एक्चुअली हम नॉर्मली तो देखते हैं कि ये मैथ में यूज़ हो रही हैं, अलजेब्रा की हैं, लेकिन रियल लाइफ में हमारे लिए ये x और y बेसिकली सिंबल्स हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। रियल लाइफ में ये सिंबल्स या ये वेरिएबल्स कुछ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसे हम सिंबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूज़ होता है और अलजेब्रा में, मैथमेटिक्स में भी यूज़ होता है। इसी तरह से कुछ इक्वेशंस लेके या इसी इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन सॉरी एलिमिनेशन मेथड के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी एक मेथड है। लास्ट में हम देखते हैं जी मैक्सिमा सॉफ्टवेयर के बारे में। मैक्सिमा ये एब्रीवेशन है प्रोजेक्ट मैक्स सिम्बॉलिक मैनिपुलेटर, इसकी एक एब्रीवेशन है। ये एक पुराना तरीन जो है वो जनरल पर्पस कंप्यूटर अलजेब्रा सिस्टम हुआ करता था, जो कि अब भी यूज़ होता है, लेकिन अब ज़्यादातर इसी के अपडेटेड वर्जन जो है वो यूज़ होते हैं। ये ओरिजिनली डेवलप हुआ था 1968 से, डेवलप होना शुरू हुआ था 1982 तक, और ये मैक का एक प्रोजेक्ट था, उसके अंडर ये डेवलपमेंट हुई थी 1982। मैक्सिमा वॉज लाइसेंस टू सिम्बॉलिक्स एंड बिकेम अ कमर्शियल प्रोडक्ट। 1982 में जो है मैक्सिमा को सिम्बॉलिक्स के लिए लाइसेंस किया गया था, और ये कमर्शियल प्रोडक्ट बन गई थी, यानी आम यूज के लिए जो है ये बनाई गई थी। 1992 में सिम्बॉलिक्स मैक्सिमा वॉज स्पन ऑफ टू मैक्सिमा इंक। 1992 में इसके को अपडेट किया गया, और इसका लेटेस्ट वर्जन उस दौर में मैक्सिमा इंक के नेम से था, जो 1999 तक जो है वो डेवलप हुआ। और ये जो वर्जन है ये स्टिल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है। 1982 में जो वर्जन MIT वर्जन था मैक्सिमा का, ये एकेडमिक्स और US गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए जो है अवेलेबल रहा और इस्तेमाल होता रहा। इसके अलावा ये US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और इसे में मेंटेन किया था जी बिल शेल्टर ने, और अंडर द नेम ऑफ मैक्सिमा इट वॉज रिलीज अंडर द GPL 1999 रिमेन्स अंडर एक्टिव मेंटेनेंस। 1999 में जो है इस सॉफ्टवेयर का नेम मैक्सिमा से कन्वर्ट करके मैक्सिमा जो है रख दिया गया था, और ये हम सॉफ्टवेयर आज तक यूज़ करते हैं, इसके कुछ और भी अपडेटेड वर्जन्स हैं। तो ये मैक्सिमा, अब पीछे जो इक्वेशन हमने सॉल्व की हैं ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए, इन्हीं इक्वेशन को मैक्सिमा सॉल्व करता है, और बहुत ईजिली सॉल्व करता है, वो हम देखते हैं कि किस तरह सॉल्व करता है। ये हम सपोज करते हैं हमारे पास जो 4 इक्वेशन हैं जिन्हें हमने सॉल्व करना है, जो कि लीनियर इक्वेशन है, और इन्हें हमने सॉल्व करना चाहते हैं। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं मैक्सिमा सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इन इक्वेशंस मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में देखते हैं ये किस तरह से जो है वर्क करेंगी। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस की ये
हमारे पास जो है वो मैक्सिमा सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। सबसे ऊपर हमारे पास मेन्यू बार में इक्वेशन का जो है बटन है, और यहाँ पे हमारे पास सॉल्व लीनियर सिस्टम, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्वेशन आपकी कितनी है हम यहाँ पर वो सेट करेंगे। नंबर ऑफ इक्वेशन हमारी चूँकि कितनी है, चार है, तो हम नंबर ऑफ इक्वेशन चार सेट करके यहाँ पे हम ओके का बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हमसे वो चार इक्वेशन की इनपुट मांगेगा। चार इक्वेशन हम यहाँ पर इनपुट करेंगे, जो पीछे हमारे पास इक्वेशन थी जो आपको मैंने शुरू में दिखाई है, आप जो स्लाइड्स में हमने देखी उन सब इक्वेशन को हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये चार इक्वेशन इसमें पुट करने के बाद हमारे पास आप पूछ रहे वेरिएबल्स हमारे पास कितने, इन चारों इक्वेशन को हम देख सकते हैं वेरिएबल्स चार हैं, एक्स वाई और जी, एक्स वाई जी और डब्ल्यू, और इसे हमने कॉमा के साथ सेपरेट करना है, ओके का बटन प्रेस करना है, और प्रेस करते ही हमारे पास ये इन चारों वेरिएबल्स की वैल्यूज हमें फाइंड करके दे देता है। यानी ये इसका जो है सिंपलेस्ट वर्जन है, सिंपलेस्ट चैनल ट्यूटोरियल है या आउटपुट है मैक्सिमा सॉफ्टवेयर की। ये जो मैक्सिमा न्यू वर्जन है इसकी है, ये डब्ल्यू एक्स मैक्सिमा इसका जो है नाम है जो अब हम यूज़ करते हैं। आपको अगर इसका यूज़ करना चाहते हैं, इसका लिंक चाहिए तो वो मुझसे आप ले सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं मेरे। और ये था हमारा आज का लेक्चर, नेक्स्ट हम देखेंगे अगले वीडियो में।